తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. इस जलसे के सदर अपने सीनियर एमएलसी साहब फारूक हुसैन साहब आज अपने जलसे को मुख्य अतिथि का विचेषना गौरवनीय अपने डिप्टी सीएम साहब फरीदुद्दीन साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब और हमारे एमएलसी भूपाल रेड्डी साहब, हमारे चीफ विप पातूरी सुधाकर रेड्डी साहब, లక్ష్మీకాంతారావు సాహ్, డాక్టర్ యాదవ్ రెడ్డి సాహ్, భూపతి రెడ్డి సాహ్, ఎలక్షన్ రెడ్డి సాహ్, హమారే తంజీమ్ కే సదర్ యూసుఫ్ సాహ్, పురాణి సదర్ ఇక్బాల్ సాహ్, అప్నే కౌన్సిలర్ షరీఫ్ భాయ్, జాకీర్ భాయ్, కాసిమ్ భాయ్, వాసిమ్ ఖాన్, జకీయుద్దీన్, అప్నే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సలీం సాహ్, పురాణే ఎక్స్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సలీం సాహ్, అభి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ జహంగీర్ సాహ్, तमाम बुजुर्गों भाइयों, हमारे जाफर खान साहब पहली टीआरएस की निशान है, जाफर खान साहब, तमाम बुजुर्गों भाइयों मेरे बहनों और हमारे प्रेस, आप सबको सलाम अलैकुम। आज इतनी बड़ी तरीके से हमारे बहन भी आए हैं और हमारे भाइयों इतने आने के बाद मुझे तो पक्का लग रहा कि सीएम साहब का मेजॉरिटी 1 लाख पक्का आएगा। आज गजवेल का डेवलपमेंट कैसा हो रहा आपको मालूम है, अपने गजवेल की निशान है ग्यारी शहीद दरगाह, वो जो अपना ग्यारी शहीद दरगाह के दुआ से आज गजवेल का डेवलपमेंट एक रॉकेट स्पीड से चल रहा है। आज आप जानते हैं पिछले 40 साल में हमारे भाइयों बहनों बहुत सारे लोगों को वोट दिए, गीता रेड्डी साहिबा को वोट दिए, नरसा रेड्डी को वोट दिए, विजय रामाराव को वोट दिए, लेकिन क्या काम हुआ गजवेल में? आज केसीआर साहब को वोट दिए तो कितना डेवलपमेंट हुआ आप मेरे से भी आप बेहतर जानते हैं। जो 40 साल में काम नहीं हुआ ये 4 साल में केसीआर साहब ने करके दिखाए। आज गजवेल में किसी को मैं पूछे तो क्या बोल रहे हैं, हमारा गजवेल 20 साल आगे चले गए केसीआर साहब के हुकूमत में। हमारा बहना तो बहुत दुआ दे रहे, हमारे को पानी के लिए इतना तकलीफ थे, अरे तो हम टैंकर के पीछे पीछे जा जाके हम थक गए, बोरिंग मार मार के हमारे हाथा बहुत प्रॉब्लम हो गए। आज घर घर में गोदावरी के नल का पानी मिल रहा है, बोले तो सिर्फ केसीआर साहब के वजह से आपको पानी मिल रहा है। आप ये भी जानते हैं अपना दरगाह, अपना मदीना मस्जिद के पास क्या हाल रहते थे, कभी कोई मौता करने के लिए अपने कब्रस्तान में गए तो जंगली के जाग, वो पिची चटलो क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, वो पिची चटलो तो नहीं, आपका कब्रस्तान कैसे रहते थे, आज अपना कब्रस्तान कैसे हैं मेरे ते बेहतर आप ही जानते हैं। अपने दरगाह भी क्या हाल थे इसके पहले, आज दरगाह कितना अच्छा बने आप जानते हैं, एक पार्क जैसा बन दिए, अपने दरगाह एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, अपना कब्रिस्तान एक पार्क जैसा अच्छा हम सब मिलके बना लिए हैं। और अपने मदीना मस्जिद के सामने जो 40 साल का समस्या था, वो जो भी वहां पर डब्बे थे वो निकाले, तो अपने लिए वो रोड अच्छा होना, वो डब्बा निकालना बोल के पिछले जो 40 साल से आपका मसला था वो भी अपन हल कर लिए हैं। आपके सदर साहब ने मुझे बता रहे थे कि साहब थोड़ा हम मलगी डाल लेते, मस्जिद का भी आमदनी हो जाएगा, हमारे नौजवान लोगों को थोड़ा रोजगार भी मिल जाएगा। मैं बोला था जरूर हम करके देंगे, वो 1 साल पहले ही पूछे थे, अभी रोड का काम खत्म हो रहे,
बाद में जरा इलेक्शन का कोड खत्म होने के बाद हम थोड़ा मलगी डाल लिए तो वहां पर अच्छी तरीके से काम बनेगा। अब हमारे मुसलमान बहनों का जो कुछ भी शादी है, आज शादी मुबारक में 1,00,000 रुपया सीएम साहब ने दे रहे हैं। इससे हमारे मुसलमान बहनों को बहुत फायदा हो रहा, घर घर में एक भरोसा मिला केसीआर साहब के नाम पे। घर में लड़की है तो पक्का हमारा को 1,00,000 रुपया शादी के लिए मिल रहा है। अब हमारे तंजीम के सदर खान साहब, तमाम बुजुर्गों मुझे बताए थे यहाँ पर एक अच्छी शादी का ना बना है। हम आप सबसे पूछने से एक अच्छी जमीन लेके यहाँ पर शादी खाना के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाए। वो शादी खाना का काम भी आगे 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, और कुछ भी कमी है तो भी हम कर लेंगे। अब 1,00,000 रुपया मिल रहा, शादी खाना भी बन गए तो खर्चा भी कम हो जाएगा। प्राइवेट फंक्शन हॉल में करना बोले तो 20-30-40 हज़ार रुपये आपके लिए खर्च हो रहे हैं। अगर से शादी खाना बन गए, 4-5 हज़ार में आप शादी कर सकते हैं। वो शादी खाना भी 2 करोड़ रुपया से अभी बन रहे हैं, आगे 2-3 महीने में आपको हवाला कर देंगे। आप जानते हैं, आप एक ही सोचना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आप वोट डाले क्यों गजवेल में शादी खाना नहीं बना, बहुत सारे लोगों को वोट दिए पानी का समस्या क्यों हल नहीं करे, बहुत सारे लोगों को वोट दिए मदीना मस्जिद के सामने कोई भी क्यों डब्बे नहीं निकाल सके हैं, बहुत सारे लोगों को वोट करे लेकिन ये गजवेल के शहर में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। ये डेवलपमेंट हुआ है केसीआर साहब के लिए वजह से हुआ है। आज आपके रमजान के महीने में सीएम साहब ने गरीब लोगों के लिए कुर्ता पैजामा और कपड़ा भी भिजवाए हैं, कई राज्य में कहीं पर भी दे रहे ऐसा, बहुत सारे राज्य है इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अगर से दावते इफ्तार हुकूमत के तरफ से कर रहे हैं, अगर से गरीब मुसलमानों के लिए कपड़ा दे रहे हैं, वो सिर्फ तेलंगाना में दे रहे हैं, अपने गजवेल में दे रहे हैं। यहाँ पर तो 4,000 लोगों को, गरीब लोगों को सालीना रमजान के महीने में हम आके यहाँ पर कपड़े दे रहे हैं, वो भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे लोग आते आके वोट दे बोल के कांग्रेस वाले पूछते, आप ही सोचना चाहिए, ये लोगों को इसके पहले वोट दिए तो क्या काम करे केसीआर साहब, क्या काम करे आप बेहतर जानते हैं। आप लोगों में बहुत ही गरीब लोग भी है, 1200 मकान डबल बेडरूम का गजवेल में बन रहा है, जैसा भी वो खत्म होते हैं आगे 2-3 महीने में अपने इलेक्शन होने के बाद सीएम साहब यही चाहते हैं जो गरीब है उनको ही मकान मिलना चाहिए। हमारे मुसलमानों में भी जितने भी गरीब है जरूर आप लोगों को भी वो डबल बेडरूम मकानों में आपको भी फायदा जरूर मिलेगा। गांवों में भी बहुत सारे जगह डबल बेडरूम मकान बन रहे, वहां पर भी जो गरीब लोग हैं, जो लोगों को मकान नहीं है उन लोगों को भी जरूर मिलना चाहिए, वो उसके लिए हम जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन आप दवाखाना भी देखिए गजवेल में कितनी अच्छी दवाखाना बनी, इसके पहले दवाखाना कैसे रहते थे, आज सरकारी दवाखाना में कितनी अच्छी तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है आप मेरे से भी अच्छे जानते हैं। और आपके पांडवला चरू कितनी अच्छी सुंदर पांडवला चरू बना है। आज गजवेल को आगे 4-5 महीने में रेल भी आने वाला है, गजवेल को कालेश्वरम के पानी भी आ रहे हैं, गजवेल का रिंग रोड जैसा हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है, आज गजवेल का भी एकदम अच्छी तरीके से आगे गजवेल का रिंग रोड जैसा हैदराबाद के जैसा रिंग रोड आज गजवेल में बन रहे हैं। जो भी लैंड्स है इसके पहले 10 लाख है तो आज 1 करोड़ रुपए में लैंड जमीन का दाम बढ़ गए हैं। ये क्यों बढ़ा, सीएम साहब का डेवलपमेंट देख के, गजवेल का डेवलपमेंट देख के आज अच्छी दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। आज गजवेल के कहीं पर भी आप जाके हमें गजवेल से बोले तो आपको इतना इज्जत मिल रहा है कि वो सीएम साहब के वजह से मिल रहा है। एक जमाने में गजवेल कहां है बोले तो सिद्धिपेट के बाजू में है बोल के बोलते थे, आज के जमाने में सिद्धिपेट कहां है बोले तो गजवेल के बाजू है बोल के बोलते, आपका इज्जत इतना बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा, सीएम साहब के वजह से, सीएम साहब का मेहनत से, सीएम साहब का डेवलपमेंट से आज गजवेल में इतनी अच्छी डेवलपमेंट बन रहा है। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आप एक ही सोचिए, गजवेल में सीएम साहब को वोट डाले तो ये डेवलपमेंट आगे जाएगा, या कांग्रेस का कोई प्रताप रेड्डी नरसा रेड्डी को वोट डाले तो
यह डेवलपमेंट आगे जाएगा। कैसा यह डेवलपमेंट आगे जाएगा, जोर से बोलना सीएम साहब को सुन। ये डेवलपमेंट आगे जाना है तो किसको वोट देना चाहिए, कौन सा निशान पे वोट देना चाहिए, बस वही आप सोचिए। अगर से ये डेवलपमेंट और आगे जाना, परसों हमारे डॉक्टर यादव रेड्डी साहब, लक्ष्मीकांत राव साहब, इलेक्शन रेड्डी साहब सीएम साहब से मिले, सीएम साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए गए। ये लोग सीएम साहब को महबूबनगर में, नालगोंडा में लोग आके हमारा पास कंटेस्ट करिए, हमारा पास चुनाव लड़िए, हमारा भी गजवेल जैसा डेवलपमेंट होता बोल के लोग वहां पर बुला रहे थे सीएम साहब को। लेकिन सीएम साहब बोले मैं गजवेल में जमीन खरीद लिया, गजवेल में मकान बन लिया, मैं तो गजवेल में ही रहना चाहता हूं। ये लोग जाके साहब को शुक्रिया अदा करें। सीएम साहब एक ही बात बोले कहते इन लोगों को, परसों मीटिंग में बोल रहे थे, जो मेरा दिल में है अभी तक गजवेल में मैं चाराना ही काम करा, आगे ये बात जीतने के बाद बाकी का बाराना काम करके गजवेल के प्रजा के लिए, जनता के लिए करके देते। चाराना काम बने तो इतना खुश है आप लोग, अब बाकी का बाराना बन गए तो गजवेल कहां तक जाएगा सोचो आप। वो काम केसीआर साहब से होएगा और किसी से होगा, बस वही चाहिए। आते कांग्रेस वाले वो आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू बहुत सारे पैसे भेज रहे कहते और अपने क्वार्टर का बॉक्स भी भेज रहे कहते, फिर अपने लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, या आंध्रा वाले के पैसे या आंध्रा वाले के क्वार्टर बॉटल चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? तरक्की चाहिए। तरक्की चाहे तो आप किसको वोट देना? हमारा बहना नहीं बोल रहे भाई, सुनने नहीं आ रहा मेरे को? बहन लोग आप हाथ उठा के बोलिए, तरक्की चाहिए तो आप किसको वोट देना चाहिए? बस बहुत बहुत शुक्रिया। केसीआर साहब को हम जिताना चाहिए, मुझे तो कोई डाउट नहीं है जीतेगा केसीआर साहब, लेकिन ऐसी जीत होना चाहिए गजवेल का नाम दिल्ली तक मालूम होना चाहिए। 1 लाख मेजॉरिटी से केसीआर साहब को जिताना चाहिए। जो अपने लिए काम करे उनको अपन और अच्छा मेजॉरिटी देंगे, और अच्छा तरीके अपना गजवेल में होए जैसा। आप सब दुआ करिए, आप सब वोट दीजिए, आप सब ये इलेक्शन तक आगे 35 दिन आप काम करिए, आगे 5 साल हम मेहनत करके आपका सेवा करेंगे। आपके दिल में जो है, आज अरबी मस्जिद से मेरे कोई बोल रहे थे कि पूरे अरबी मस्जिद के मुसलमान एक आदमी भी नहीं है, पूरे के पूरा आज मीटिंग को आ गए। हम सब केसीआर साहब के साथ है, हमारा पूरा वोट केसीआर साहब को डालते बोल के अरबी मस्जिद से भी बहुत सारे लोग आए। मुझे ये चाहिए, ये सिर्फ अरबी मस्जिद की नहीं, पूरी गजवेल तालुका में हमारे भाई बहन केसीआर साहब के लिए वोट दिए। आप आगे 30-35 दिन घर घर को जाइए, अपने नौजवान के लड़के के लिए आज जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना है, वो केसीआर साहब से होगा। अभी अब रेल आने के बाद, रिंग रोड बनने के बाद रीजनल रिंग रोड आ रहा गजवेल को, हैदराबाद का जो संगारेड्डी से, नरसापुर से, अपने तूपरान से, गजवेल से, जगदेवपुर से बोनगिरी, ये रीजनल रिंग रोड भी बन रहा, वो 8 लेन रिंग रोड बन रहा। वो बनने के बाद क्या होता, और अच्छा डेवलपमेंट होता। जब इंडस्ट्री आएगा, अभी कालेश्वरम का पानी, बिजली, रिंग रोड, हाईवे, रेल बनने के बाद आगे बहुत सारे इंडस्ट्री अपने गजवेल में आएगा, अपने लड़के को बहुत सारे नौकरी भी मिलेगा। ये काम केसीआर साहब सुन सकते हैं, हल कर सकते हैं, और कोई से नहीं होते। आप नहीं देखे क्या, गीता रेड्डी मंत्री भी थे, पानी भी नहीं पिला सके, नरसा रेड्डी एमएलए था, कम से कम ये प्रज्ञापुर गजवेल का एक ब्रिज रहता है यहाँ पर, इतने बार दरखास्त दिए वो ब्रिज के लिए, कोई करा भाई वो ब्रिज? आज गजवेल में कोई परसों दुबई जाके आए कहते 2 महीने पहले, वो जुबली बस स्टैंड में बस चढ़ के गजवेल टिकट लिया, गजवेल आ गए, कंडक्टर साहब बोले कहते गजवेल आ गए, उतरो। वो आदमी बाहर देख के ये गजवेल नहीं है अभी भी, मैं हकीमपेट में हूं या हैदराबाद में बोल के सोच रहा कहते। अरे कंडक्टर साहब बोले कहते भाई गजवेल आ गए, उतरो। नहीं जी मेरे पागल बना रहे, मुझे गजवेल नया है क्या? मैं ये गजवेल नया है बोल रहे कहते।
कंडक्टर साहब ने उसको बाजू वाला से बोलने लगा के उनको उतरे करते। उतना अच्छा डेवलपमेंट आज गजवेल में हुआ है, यह डेवलपमेंट और आगे जाना चाहिए। ये इसके लिए आप सब इतनी बड़ी तरीके से पूरी मंडल से, कोंडापाक से, जगदेवपुर से, वरगल से, तूप्रान से, जो मुलगू से, और अपने गजवेल रूरल से, अपने गजवेल शहर से, मनोहराबाद से, जितने लोग भी आए, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, जरूर हम पूरी तरीके से आपका सेवा करेंगे। आधी रात को भी किसी के लिए कुछ काम पड़े, फारूक साहब रहेंगे, मैं भी रहूंगा, आपको अपने बुजुर्गों भी रहेंगे, कभी भी आपका सेवा है आप सीधा हमारे पास आ सकते हैं, हम पूरी तरीके से आपका सेवा करेंगे। आज तो ऐसा काम बन रहा है गजवेल में, कोई दरखास्त देने का जरूरत ही नहीं है, कोई पूछने का जरूरत ही नहीं है, सीएम साहब खुद देखते हैं, जो गरीब है वही सीएम साहब का मेहमान है, जो गरीब है उनके लिए सीएम साहब मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए तरक्की करना चाहते हैं। सीएम साहब ऐसे आदमी है, ये कांग्रेस है, ये तेलुगु देशम, ऐसे भी नहीं सोचते, जो गरीब है उनका सेवा करना चाहते हैं, गरीब के लिए काम करना चाहते हैं। आज अपना जो पेंशन है बेवा लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है, वो 1000 रुपए से 2016 को अभी बढ़ाने वाले हैं। जो हमारे नौजवान बेरोजगार है, इन लोगों को 3016 रुपया उन लोगों को भी हर महीने में उनको भी पैसे देने वाले हैं। ऐसी अच्छी काम कर रहे हैं। जो किसान है उन लोगों को 1 लाख माफी कर रहे हैं। जो किसान है सालीना हर एकड़ को 10,000 रुपए किसान लोगों को भी सीएम साहब देने के लिए ऐलान करे हैं। और अच्छी काम हम करेंगे। बस आप सब से गुजारिश करना, गजवेल का दवाखाना इतना सुंदर बना, आज जिले के आसपत्र बन गए, गजवेल में आरडीओ ऑफिस बना। इसके पहले आप लोग सिद्धिपेट तक जाना पड़ते थे, आप सिद्धिपेट का आरडीओ ऑफिस खुद आ गए, गजवेल में आरडीओ ऑफिस बन गए, यहीं पर डीएसपी ऑफिस बन गए। इतनी अच्छी काम पिछले साल से नहीं हुआ, आज हुआ है तो सीएम साहब की वजह से हुआ है। बस आप एक ही सोचिए, घर घर में ये चर्चा होना चाहिए, हर महीने में चर्चा होना चाहिए, हर गांव में चर्चा होना चाहिए। लोग आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन आप सोचो ये काम किसी से हुआ, आगे ये काम हल करना है और आगे जाना है, ये किसी से होगा, आप सोच के निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोला बोल के वोट न मत दीजिए, आप सोचो पिछले 40 साल में क्या हुआ, पिछले 4 साल में क्या काम हुआ, बस आप सोच के वोटिंग डालिए। बस मुझे और एक भी गुजारिश है, जो December 7 है वो जुम्मा का दिन है, जहां नमाज के लिए आप सब जाते हैं, जुम्मा के दिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, सुबह सुबह जाइए सीएम साहब को वोट डालिए, बाद में आपको नमाज को जाइए, नमाज के बाद कभी कभी लेट भी हो सकते हैं, नमाज से पहले ही जुम्मा का दिन है, सुबह सुबह लाइन में ठहर के पहली वोट आप लोग डाल के सीएम साहब को जिताना बोल के मैं आप सबसे बोलते हुए आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं। जय तेलंगाना, कार के निशान पे, कार के निशान पे। जो लोगों को हाथ है आप उठाइए, नहीं है तो मैं कुछ फील नहीं करता हूं। कार के निशान पे, कार के निशान पे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।